वो साथ हो तो लगता मुझे हर दिन त्योहार है, वो साथ हो तो मुझे लगता हर दिन त्योहार है, वो साथ नहीं तो त्योहार भी रूखा और बेकार है। उसकी सारी बातों पर मुझे एतबार है, उसकी सारी बातों पर मुझे एतबार है। तुम इंसान की बात करते हो यार, मुझे तो उसकी आवाज से भी प्यार है। उनसे ऐसा रابطہ हुआ था, उनकी आवाज ने दिल को छुआ था। ये बंदा हंस रहा था खुद की बर्बादी देख, क्योंकि ए गालिब ये उसी के हाथों बर्बाद हुआ था। प्यार क्या है? ढाई अक्षर का एक शब्द है ना, ढाई अक्षर की एक शब्द। चलो विस्तृत चर्चा करते हैं। इस भागती हुई दुनिया में जिससे मिलकर स्थिर हो जाओ वो है प्यार, जिससे मिलकर तुम स्थिर हो जाओ वो है प्यार। बहुत बोलते हो पर उसके आगे मौन हो जाओ वो है प्यार। सबको शांत कराने की आदत हो पर उसकी हर बात सुनने को तैयार हो जाओ वो है प्यार। उनसे मिलने के बाद कभी खुद को अकेला ना पाओ वो है प्यार। जब भी आंखें बंद करो खुद के वजूद को उसमें मिलता हुआ पाओ वो है प्यार। हनी सिंह सुनने वाला लड़का अरिजीत का हर गाना महसूस करने लग जाए वो है प्यार। वैसे एक सच बताऊं, प्यार की कोई करेक्ट डेफिनेशन है ही नहीं। मुझे लगता है प्यार की कोई असल परिभाषा ही नहीं है। प्यार एक पहेली है जिसका एक शब्द में उत्तर दे पाना उतना ही कठिन है जितना आईपीएल का आरसीबी का आईपीएल जीतना। तुम खुद से पूछो कि तुम क्यों उस शख्स को चाहते हो, और उसका कोई सटीक उत्तर ना मिले वो है प्यार। तो अब ये मेरे लिए, ये मैंने खुद के लिए लिखी थी। हूं कभी मैं शांत सा जैसे दरिया एक अनजान सा, मस्ती में मैं मग्न खुद की, सारा जहां मेरे नीचे लगे खुद को लगूं आसमान सा। खुद से ही लगाओ मुझे, खुद को ही चाहना एक मेरा पसंदीदा काम सा। माना कमियां खूब है मुझ में और क्यों ना हो कमियां, हूं मैं बंदा भगवान का, ना कि बंदा भगवान सा। मैंने देखा है कई लोगों को रंग बदलते के, मुंह पर कुछ और बनते हैं और पीछे कुछ और बनते हैं। देखा है मैंने दोगलों को, अगर मैंने देखा नहीं है तो कोई ऐसा जो सच को सच कहे, भले दुनिया विरोध में हो पर वो अड़िग रहे, भले हमेशा वो मौन रहे पर सच को देखकर चुप न रहे। दूसरों से मिले तो हो जाए वो दर्पण सा, सच कहूं तो मैंने कोई ना देखा कृष्ण सा। वो चिल्लाती है मारती है, बाहर जाने से रोकती है। हम तीनों खुद पे खर्चा कितना ही करें, बात खुद की हो तो हर चीज से मुंह मोड़ती है। वो सोलह की थी जब उसका ब्याह हुआ, ब्याह नहीं वो किस्मत का पलटवार हुआ। जिस इंसान के भरोसे यहां आई थी उसने ही जीना दुश्वार किया। देर रात शराब पीकर घर आना, रात को 1 बजे गर्म खाना बनाना, सब्जी अच्छी न बनने पर उन पर कड़ाई का फेंका जाना। कुछ बोलो तो वो इंसान गालियां और थप्पड़ मारा करता था। हम सब बेबस थे पर कर्म कहां किसी को बख्शता है। अब सब उल्टा हुआ, मां मेरी सुखी तो बाप बिस्तर पर लेटा है। वो भगवान है यार, आपका किया हुआ आपको वापस जरूर देता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।